जय माता दी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो साबूदाना की रेसिपी, वो भी बिना भीगे हुए, क्योंकि जल्दबाजी में अधिकतर हम लोग भिगोना भूल जाते हैं। तो ये भी आप व्रत में अच्छे से बना सकते हैं। इस साबूदाना को मैंने साफ कर लिया है, आप भी सूखे साबूदाना लेकर के उसको साफ कर लीजिए। अब हम इसे महीन पीस लेंगे। साबूदाना अच्छे से पीस गया है, अब इसमें हम आलू डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि अगर मुझे आलू और मिर्च पीसने थे तो मैंने साबूदाना के साथ ही क्यों नहीं पीसी, पर साबूदाना के साथ आप भी कभी मत पीसिएगा, इसको अलग से पीसिएगा तभी अच्छे से पीसेगी। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यकीन मानिए बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और ये हम बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि साबूदाना बहुत फ़ायदेमंद होता है छोटे बच्चों के लिए। कि हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हम लोग को सेम ऐसा ही पेस्ट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और इसमें हम अभी पानी मिलाएंगे थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक। जो अभी आप व्रत में नमक खाते हैं वो भी अपने वही अपने टेस्ट के अनुसार खाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि साबूदाना है ना, तो साबूदाना भी तो फूलना चाहिए। ये देखिए, इसको हमें बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है। आप इसको बना करके पीस करके इसको रख भी सकते हैं, और जब गेस्ट आए तो आप उनके सामने ऐसे इसको 10 मिनट के लिए पानी डाल करके रख दीजिए, और 10 मिनट बाद बनाइएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जब इस टाइप का हो जाए तो हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कितना अच्छे से फूल गई है। अब इसमें अगर आपको मूंगफली का मसाला डालना हो, मूंगफली पीस के डालनी हो, तो वो भी डाल सकते हैं। आपको इसमें मूंगफली पीस करके डालनी हो तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पेस्ट है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमने साबूदाना का मिश्रण लिया था उसको हम पूरा इसमें ऐसे फैला देंगे। मैंने ये छोटा सा लिया है क्योंकि मुझे जरा सा बनाना था। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। देखिए, जब दोनों साइड से ऐसा हो जाएगा तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। बस अब ये हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये है हमारा व्रत वाला उपमा, साबूदाना आलू का। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें के ऊपर हम लोग दालमोठ डाल सकते हैं, या तो आप इसे बनाते समय इसमें पिसी हुई मूंगफली डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी उपमा होता है। इसके ऊपर हम चाहें तो नमकीन डाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर नमकीन भी डाल सकते हो। ये आलू की भुजिया है व्रत वाली, मैं इसे डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए जिसका फास्ट हो, या तो आप ऐसे ही बना के खाना चाहें तो भी बना सकते हैं, बिल्कुल नया और अच्छा नाश्ता। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बिना मत जाएं। थैंक यू।